12 तारीख की उस रात को एक एक्सीडेंट हुआ अमडंडा खत्ता निवासी सुरेश का। उसके बाद यहाँ पर लोग रिपोर्ट लिखवाने आए, उनका भाई आया, तो यहाँ पर उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई और उसको इलाज के लिए उनके परिवार के लोग दिल्ली ले गए जहाँ उसकी मृत्यु हो गई है। हमारा यह आरोप है कि रामनगर पुलिस के द्वारा जो वहाँ पर घटना जिस डंपर से एक्सीडेंट हुआ है उस डंपर को न तो सीज किया, न डंपर के ड्राइवर को गिरफ्तार किया अभी तक, और कोई कार्रवाई संपत्ति के नाम पर भी पुलिस प्रशासन के द्वारा वहाँ पर मौके पे गए तो आज उस इसी बात के क्योंकि अब वो एक्सपायर हो गया। आज लोगों में बहुत रोष है कि रामनगर पुलिस के द्वारा क्योंकि बताया जा रहा है कि डंपर और जो डंपर मालिक हैं वो कोई बहुत बड़े मतलब आदमी हैं जिनको सत्ता और प्रशासन का संरक्षण है, उनके कहने पे उनके प्रेशर में ये कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है। और हमने ये कोतवाल साहब से ये कहा भी है और चेतावनी दी है कि यदि कल उन्होंने कहा कि हम 12 बजे तक डंपर और जो ड्राइवर उसको सीज और उसको गिरफ्तार कर लेंगे और जो दोषी है जिसने 12 तारीख को एफआईआर नहीं लिखी उसकी हम जांच करवाएंगे, एसएसबी को भी लिखेंगे, कार्रवाई भी करेंगे। ये जो घोर लापरवाही हुई है, हमारा कहना है कि गरीबों को भी जिंदा रहने का हक है, नहीं तो 12 बजे के बाद फिर यहाँ पर आएंगे हम लोग धरने पर बैठेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो एसएसबी से कहेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो डीजीपी से भी कहेंगे कि इस ढंग से घोर लापरवाही यहाँ पर हो रही है कि यहाँ पर देख करके कार्रवाई होती है। एक्सीडेंट में गरीब आदमी मारा गया उसकी तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, उसको कोई मदद भी नहीं पहुँचाई गई, ये हमारा आरोप है। और हम उम्मीद करते हैं कि 12 बजे तक कोतवाल साहब अपने वादे के अनुसार वो कार्रवाई करेंगे, नहीं तो फिर सब हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठेंगे। देखिए आज कुछ लोग अपनी बात कहने थाने आए थे, उनका आरोप है कि पुलिस ने उनके एक्सीडेंट के मुकदमे में एफआईआर नहीं लिखी है। हमारे द्वारा पूर्व में ही वादे की तहरीर पर एफआईआर लिख दी गई है, 14 तारीख को इसमें एफआईआर दर्ज हो चुकी है और हमारे द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है।